दोस्तों नमस्कार। मंडला ज़िले का यह एक महत्वपूर्ण स्थान है गर्म पानी कुंड, जहां पर मैं आपको आज लेकर आया हूं। यहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इस कुंड की खासियत ये है कि यहां पर सदैव गर्म पानी रहता है। माँ भगवती का ये स्थान, माँ नर्मदा जी का, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक ये विहंगम दृश्य बोट। और अब चूंकि जिला प्रशासन ने इसको महत्वपूर्ण तरीके से एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है, और इसलिए जो है आप ये देख सकते हैं कि इस कुंड के चारों तरफ से जो है पानी भरा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, इधर भी अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पर जो है ये पानी भरा हुआ है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी पानी भरा हुआ है। और इस प्रकार इस कुंड के चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, और प्रकृति का एक ये नज़ारा देखिए कि यहाँ गर्म पानी निकलता है। यह एक अद्भुत कुंड है जिसे दर्शन के लिए दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं। काफी गहरा है, इसमें जाली लगा दी गई है, अंदर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से किसी को नुकसान ना हो। और ये देखिए, और इस प्रकार से पर्यटक जो आते हैं और जो स्नान करते हैं, तो इस तरीके से जो ये शैम्पू वगैरह और जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ये साबुन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए। और पर्यटक स्थल होने के नाते यहाँ जिस प्रकार से जो गंदगी लोगों के द्वारा फैलाई जाती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये जिले का एक महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटक स्थल है, और इसकी जवाबदारी आप हम सभी की होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से जो है इस पर्यटक स्थल में जो है लोग नदी फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा पर्यटन स्थल आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।